हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। मैंने कल गॉडेस दुर्गा एम्पावरमेंट अटूनमेंट दिया था, ये उसकी प्रैक्टिस है कैसे करनी है। और अगर आपको प्रैक्टिस हीलिंग और अटूनमेंट के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत लोगों का क्वेश्चंस भी था, तो मैंने एक वीडियो और डाला है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस करते हुए। आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिलेगा, तो आप वो देख लीजिए पहले, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अटूनमेंट क्या है और ये प्रैक्टिस का क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सिट प्रॉपरली, यहाँ मैं आपको कोई म्यूज़िक नहीं दूंगी, कुछ नहीं दूंगी। मैं यहाँ आपको एक प्रोसेस बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप वो बिना वीडियो के भी कर सकें, लाइफ टाइम कर सकें। लाइफ टाइम नहीं कर सकते तो कभी आपको बेचैनी है, ज़रूरी नहीं है ना कि हम ये सिर्फ माता रानी का नवरात्रि में ही करेंगे, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक उसके साथ गाइड, उसके साथ अटैच हो जाते हैं हम म्यूज़िक के साथ। तो मैं यहाँ म्यूज़िक नहीं दे रही हूँ आपको, सिर्फ एक जनरल प्रोसेस बता रही हूँ। और ये प्रोसेस में, ये वीडियो तो मैं 5 से 10 मिनट में ख़त्म कर दूँगी, लेकिन जो बीच में जो टाइम गैप होगा ना, देखिए क्या होता है कि ये जब मैं मेडिटेशंस कराती हूँ, ठीक है, तो कई लोगों का ऐसा होता है मैसेज मुझे कि बीच में जो आप टाइम देते हो उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम रखो, ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो कुछ लोगों का ऐसा मैसेज होता है कि उसको थोड़ा छोटा करो, ठीक है, सबका अपना अपना चॉइस है, ठीक है। तो क्या है ना कि, तो इसलिए मैं इसमें आपको प्रोसेस बता रही हूँ, ठीक है। और आपको अगर म्यूज़िक चाहिए तो आप कोई भी, जब आप अपने आप करेंगे आपको प्रोसेस याद हो जाएगी, या फिर आप इसको करने के बाद आप स्टेप लिख सकते हैं, तो कोई भी म्यूज़िक साथ में चला सकते हैं, तो आप अपने टाइम के हिसाब से उसको कर पाएंगे। आप ज़्यादा देर बैठे रहना चाहेंगे उसमें, तो उस स्टेप में ज़्यादा देर बैठे रह सकते हैं, जैसे सिंबल बनाने के बाद, वैसे यहाँ तो सिंबल नहीं है। अब माता रानी का रूप आप अपने थर्ड आई में फील कर रहे हैं, तो मैं एक मिनट बाद दूसरी जगह पर आपको विजुलाइज़ करा दूँगी, लेकिन आपको वहाँ अच्छा लग रहा है, आप वहाँ ज़्यादा देर बैठना चाहते हैं उसमें, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ एक प्रोसेस दे रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मेरे को यही लगा कि सबकी चॉइस के हिसाब से ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं और जो चीज़ें होंगी उनको उस हिसाब से बनाने की कोशिश पूरी करूँगी कि मैं सबकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग बना सकूँ। बाकी आप लोगों की जैसे सजेशंस मिलती हैं मुझे, मैं उसके अकॉर्डिंग कोशिश कर रही हूँ सब बनाने की। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली, क्लोज योर आइज। देखिए हम क्या करते हैं, पूजा करनी है, कुछ भी करना है, उससे पहले हम क्या करते हैं, नहाते हैं ना, है ना, नहाने के बाद ही हम पूजा करते हैं, ये हमारा रूल है। वैसे हम अभी मेडिटेशंस वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं, तो नहीं नहाते हैं, ऐसा कुछ वो रूल नहीं होता। चलो वो अलग टॉपिक है कि नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ से एक सिंपल बात कर रही हूँ। वैसे ये काम आपको वैसे भी आ सकता है, तो हम यहाँ पर भी एक बात लेंगे, डिवाइन बात लेंगे, ठीक है, ताकि हम नहाते किस लिए हैं कि हम हमारी बॉडी को क्लीन करके माता रानी की या भगवान की किसी की भी पूजा करें, मंदिर में जाए नहा के बॉडी को क्लीन करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अभी कि हम अपनी बॉडी को, अब हम सोल के थ्रू माता रानी से कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ हमें सोल को क्लीन करना है, ठीक है। तो हम एक बात लेंगे, अगर आप रेकी चैनल हैं तो यहाँ पर सिंबल्स भी बना सकते हैं, ठीक है, ओके, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक डिवाइन बात हम लेने जा रहे हैं। सिट प्रॉपरली, क्लोज योर आइज। हम जब बात लेते हैं तो क्या करते हैं, हम जब बात लेते हैं तो हम अपनी क्लोथ्स को रिमूव करते हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज़ रिमूव करेंगे जो हमारे अंदर एक, जो हमारी सोल ने एक कवच, एक मुखौटा जिसे कहते हैं पहना हुआ है, ठीक है, नकलीपन जो भी पहना हुआ है हम उसे रिमूव करेंगे, क्योंकि भगवान के सामने तो सब कुछ खुला हुआ है, ठीक है, कि हम क्या हैं, हमारी असलियत क्या है, हमारे मन में कैसे विचार हैं, हम कैसे हैं, हमारी लाइफ में भले ये नहीं हो लेकिन एक नेगेटिविटी या कोई भी बनावटी पन्ना या कुछ भी है, उस चीज़ को रिमूव कर रहे हैं। कहते हैं ना कि भगवान के मंदिर में जाते हैं तो चप्पल भी बाहर उतार के जाते हैं, ठीक है,
तो फील करें कि आपके अंदर से एक आपके पैरों में, अगर आप बैठ के कर रहे हैं तो भी रूट चक्र में फील कर सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट ऐसा है आपका जो ओपन हो गया है और सारी नेगेटिविटी निकल रही है। पूरी नेगेटिविटी निकल रही है। और अब हमने हमारे सिर के ऊपर एक शावर है, डिवाइन शावर, वाइट लाइट, हमारे सिर से लेकर जो स्काई तक के कोर्ड्स होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वहाँ हमने उसको स्टार्ट कर दिया और एक वाइट लाइट का शावर हमारे ऊपर आ रहा है। और ये शावर आप ले रहे हैं, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी और क्लीन हो रहा है, आपका हर लेयर क्लीन हो रही है। वन, पहली लेयर क्लीन हो रही है, दूसरी लेयर क्लीन हो रही है, तीसरी लेयर क्लीन हो रही है, चौथी लेयर क्लीन हो रही है, पांचवी लेयर क्लीन हो रही है, छठी लेयर क्लीन हो रही है, सातवीं लेयर क्लीन, हर चक्र क्लीन हो रहा है। ये शावर जो है अब आपके क्राउन चक्र से अंदर की तरफ जा रहा है और सारी चक्रास को क्लीन करता जा रहा है। पहले क्राउन चक्र क्लीन हो गया, थर्ड आई चक्र क्लीन हो गया, थ्रोट चक्र क्लीन हो गया, हार्ट चक्र क्लीन हो गया, सोलर प्लेक्सस क्लीन हो गया, सैक्रल चक्र क्लीन हो गया, रूट चक्र क्लीन हो गया। अब क्लीनिंग हो गई, हमने बाथ ले लिया, अब हम क्या करेंगे कि एक वाइट कलर के कपड़े विजुअलाइज कीजिए, वाइट कलर के कपड़े अब आप उसे पहन रहे हैं, या फिर ये वाइट लाइट जो है वो आपके क्लोथ्स बन गई है और अब आप पूरी तरह से प्योर हो गए हैं। ठीक है, अब हम माता रानी के लिए थाली लगाएंगे। एक प्लेट, प्लेट कैसी, आप अगर सिम रेकी चैनल हैं तो ये प्लेट जैसे चौकोरोई बना दें तो उसको आप प्लेट समझ सकते हैं। ओम बना दें आप, बहुत बड़ा सा ओम, और समझ लें कि ये ओम शेप की प्लेट है। इसके ऊपर अपनी श्रद्धा, श्रद्धा को दिल से निकलते हुए माँ के लिए जो प्यार है आपका, वो एक ज्योत के रूप में निकलकर उस प्लेट में जा रहा है। तो ये आपने ज्योत जला दी है और अपने हाथों की उंगलियों को, करना कुछ नहीं है, बैठे रहना है, विजुअलाइजेशन में करना सब, अपनी उंगलियों में आप अपनी श्रद्धा को ले आए हैं और उस पर आप गणेश या जो भी आप बनाते हैं वो बना रहे हैं। आपकी थर्ड आई से चेतना, चेतना रूपी फूल निकल रहे हैं और वो उस प्लेट में चले गए हैं। आपका प्रेम, आपका प्रेम माता के प्रति, आप माँ को कितना प्यार करते हैं, कितना मानते हैं, कितना आप उसकी को अपनी अपने प्रेम सॉरी अपने प्रेम में उसे पाना चाहते हैं। आपका जो प्रेम है वो माँ के लिए प्रसाद बना दिया है आपने, उस प्रेम को आपके दिल, दिमाग, आपकी आँखों, आपके कानों में से निकल रहा है। आपकी आँखों से प्रेम, आपके कानों से प्रेम, आपके गले से प्रेम, आपके दिल से प्रेम, और उस प्लेट में एक साइड पे जैसे कि प्रसाद हम रखते हैं वो इकट्ठा हो रहा है। अब माँ दुर्गा को बुलाएंगे हम, माता रानी को याद करेंगे। माँ, मैं आपकी आराधना करना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दें
अब यहाँ पर हम अफर्म करेंगे 3 बार, गॉडेस दुर्गा एम्पावरमेंट हीलिंग, गॉडेस दुर्गा एम्पावरमेंट हीलिंग, गॉडेस दुर्गा एम्पावरमेंट हीलिंग। माँ के रूप को याद करें और विजुलाइज करें, आपके सामने माँ है। अब कईयों को यहाँ दिख भी सकती हैं, नहीं भी दिख सकती हैं, फील करें, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, हमें हमारी चेतना दिखती नहीं है, लेकिन माँ आपके पास हैं क्योंकि आपने उन्हें दिल से याद किया। अब आपने जो वो थाली लगाई थी उनसे उनकी आरती उतारेंगे, अपने मन में श्रद्धा भाव रखते हुए उनके चेहरे की ओर देखते हैं, उनके चरणों में देख रहे हैं, और थाली से और उसको एक साइड पे रख देंगे। माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं, गॉडेस दुर्गा हीलिंग आपको दे रही हैं, उनके जो जितने भी हाथ हैं उनके, अब उनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, उनके सारे हाथ आपकी तरफ हैं, और उसमें से वाइट लाइट, वाइट एनर्जी जो आ रही है आपके ऊपर, उस चीज़ को माँ के सारे हाथों पे कॉन्सेंट्रेट करें। हो सकता है किसी किसी को एक ही हाथ दिखे, जो माता रानी के हाथों से आ रही है, यहाँ तक कि उनका जो शेर है, क्योंकि जब माँ उनके ऊपर बैठी है तो वो शेर भी हीलिंग वाला बन गया है, उसकी आँखें भी आपको देख रही हैं और उसकी आँखों से भी आपको हीलिंग आ रही है। माँ की थर्ड आई से, माँ की आँखों से, माँ के हर अंग से आपको हीलिंग आ रही है, और ये हीलिंग क्या है, माँ का प्यार है। जिस तरह से आपने श्रद्धा से उन्हें बुलाया है, वो हीलिंग आपको मिल रही है और आपकी पूरी बॉडी में जा रही है। आपके पहले सारे चक्रास हील हो रहे हैं रूट चक्र पे, क्योंकि जो माँ की सब तरफ से हीलिंग आ रही है, सभी हाथों से, शेर की आँख से, माँ की थर्ड आई से, वो सब आपके पास आते आते एक हो जा रही है, एक हो जाती है वो, और आपकी रूट चक्र को हील कर रही है। हीलिंग होने दे रूट चक्र में। सैक्रल चक्र में, अगर आपको चक्रास की नॉलेज नहीं है तो सिर्फ चक्र का नाम सुन के और सोच लीजिए कि जा रही है, और आपको जहाँ फील हो रही है उसे फील होने दे। सैक्रल चक्र में हीलिंग हो रही है। सैक्रल चक्र हील हो रहा है, संतुलित हो रहा है माँ के हाथों से। आँखों में भी देखो, आप उनकी आँखों में देखते रहें और आप एनर्जी लेते रहें, कितना प्रेम है माँ के चेहरे पे। और अगर आप इसी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो 1 मिनट आँख खोल के फोन में देख सकते हैं माँ की आँखें, और फिर बंद कर सकते हैं। किसी मूर्ति के सामने बैठ के कर सकते हैं आप ये चीज़, आप किसी मूर्ति के सामने बैठ जाए माता की तो भी कर सकते हैं, और ऐसे ही फील हो रहा है तो बहुत अच्छा है। सोलर प्लेक्सिस पे हीलिंग आ रही है।
माँ के इतने सारे हाथों से ऊर्जा निकल रही है, आँखों से निकल रही है, थर्ड आई से निकल रही है, दिल से निकल रही है। ये माँ का प्रेम झलक रहा है आपके लिए, हीलिंग आ रही है आपको। ये हीलिंग लेते हुए आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होते हुए आप देख सकते हैं, उसे हम बाद में भी हील करेंगे। और आपके पास आते आते एक ही धार बन रही है और अब हार्ट चक्र पे जा रही है। हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है। थ्रोट चक्र पे जा रही है। थर्ड आई चक्र पे जा रही है। आपके क्राउन चक्र पे जा रही है। अब आप माँ से प्रार्थना करें अपनी प्रॉब्लम को, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए वो हीलिंग मांगे, फिज़िकल, मेंटल या फिर आपकी कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आप बोलिए और उसके लिए देखिए आपको वो जो हीलिंग आ रही है उनकी एक धार बन के आपके किस कहीं पर भी आपको वो फील हो सकती है। हो सकता है आपको बॉडी पे या नहीं फील हो तो वो आपके कर्मास पे जा रही हो। यहाँ आप मांगे उनसे ऊर्जा। इस प्रोसेस में आप और देर बैठना चाहते हैं तो यहाँ वीडियो को स्टॉप कर लीजिए। अब हम आगे, जो वो हमने आरती की थाली बनाई थी, आरती उतारी थी माँ की, वो थाली को वापस लें और फिर से आरती उतारें, माँ को प्रसाद खिलाएं, अपना प्रेम ऑफर करें, माँ को फूल चढ़ाएं, आपकी श्रद्धा के फूल। और उस थाली को साइड में रखें और देखिए माँ क्या कर रही हैं। माँ आपके सिर पे हाथ रख रही हैं और आपको अपने गले से लगा रही हैं, अपने गले से लगा रही हैं। हो सकता है आपको आँखों में आंसू भी आ गया हो, क्योंकि प्रेम बहुत जब मिलता है तो रोना भी आ जाता है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और अब आप जितनी देर इस ऊर्जा में बैठना चाहें बैठ सकते हैं। थैंक यू। मैं इस वीडियो को बंद कर रही हूँ। आप जितनी देर बैठना चाहें बैठ सकते हैं। थैंक यू।